How to fix OnePlus Note CE caller name not showing on incoming call problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में caller name not showing on incoming call problem सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, जब आपको कोई कॉल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों caller name की जगह पर सिर्फ उसका नंबर ही शो करते हैं। हालांकि दोस्तों हमने वो नंबर सेव किया होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे उनका जो नेम है वो शो नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, क्या चेक करना होगा, कैसा सेटिंग करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के सारे अंत तक बने रहिए, सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखें। रिस्टार्ट करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है फ़ोन सर्विस को अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करके आपको यहाँ पर सर्च करना है कंटेक्ट को भी आपको अपडेट करना होगा। तो दोनों ऐप को अपडेट कीजिए। उसके बाद जाइए दोस्तों सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करें, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको, बस ऐप एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे आपको मिलेगा कंटेक्स, तो कंटेक्स को ओपन कीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज एंड कैच पर जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो डेटा है उसको क्लियर करने के बाद आपको बैक करना है, सारे परमिशंस इसका अलाउ कर देना है, उसके बाद बैक करना है। एंड देन आपको फाइंड आउट करना है फ़ोन सर्विस, स्टोरेज एंड कैश पर जाइए, क्लियर डेटा करके ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको बैक करना है, मेक श्योर सारे परमिशन अलाउ करें, बैक करें और उसके बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद जाइए अपने कंटेक्ट के अंदर पे। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे कंटेक्ट का जो ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे प्रोफाइल वगैरह है तो वहाँ पे क्लिक करें। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंटेक्ट यहाँ पे ऑल आपको सेट करना है, ठीक है। कंटेक्ट यहाँ पे फ्रॉम ऑल कंटेक्ट ऑल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, या फिर थ्री लाइंस पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो कंटेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, कंटेक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर नंबर नहीं है तो नंबर शो नहीं होगा। तो आपको जाना है कंटेक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट कर देना है, सारे नंबर आ जाएगा। मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सारे साथ अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा। तो जो भी दोस्तों पॉसिबल सॉल्यूशन था कंटेक्ट नेम नॉट शोइंग ऑन इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम का, तो वो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। तो आप इस प्रकार से सॉल्यूशन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंटेक्ट नेम नॉट शोइंग ऑन इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।